वेलकम बैक माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत दिनों बाद फाइनली एक मेकअप वीडियो होने वाला है। सो मैंने कुछ दिनों पहले ब्लू हेवन ब्रांड के कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदे हैं एंड आज मैं वही सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली हूँ आपके सामने। उन सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी मैं आपके साथ इंस्टेंटली शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैं एक मेकअप लुक भी क्रिएट करूंगी। सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड क्योंकि मैंने आज अपना अटायर जो है वो इंडियन वेयर पहना है सो मेकअप भी कुछ उस तरीके का ही होगा। एंड बस कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद इंडियन फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ये वाला मेकअप लुक भी ट्राई कर सकते हो फेस्टिव पे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मुझे बहुत ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है एज अ बेस मेकअप, तो मैंने सिर्फ कंसीलर अप्लाई किया है एंड बाकी फेस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। दिस इज अ नो फाउंडेशन लुक। सो अभी मैं बाकी जो मेकअप है वो स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन। ब्लू हेवन हैज रिसेंटली लॉन्च देयर हाइपर स्टे सुपर मैट लिपस्टिक। आई रियली लाइक द स्लिक पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट and I have two shade today. So this is the first shade. This is kind of a deep mauve shade. This shade name is Smoke Violet 708 and let me show you the swatches of this product. So it looks something like this. I really like the shade. And the second one, this is also kind of a violet shade. This is called Plum Trap 725 and this shade is little bit lighter than the previous one. And now let's start the makeup. So I'm using Blue Heaven Sculpt and Set Eyebrow Gel. It has two shades but I'm using today the brown one. I really like the product. It looks so natural on my brows and the color matches to my skin tone also. Next I am using Blue Heaven Eyeshadow Palette which is a matte metallic shade. So I am taking the kind of a brown shade, creating the base with the brown shade and it's blend so easily. So I really like the product a lot. Next I am taking the purple shade and with a flat brush I am just going to apply it and making a little bit contrast color. Now, इसी शेड को लेके मैं थोड़ा सा अपने इनर आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी, स्पेशली वाटर लाइन पे। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ये ग्रे वाला शेड लेके अपने आईज पे अप्लाई करूंगी एज अ आई लाइनर। इससे थोड़ा सा स्मोकी लुक क्रिएट होगा एंड वो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं यही शेड लेके ना थोड़ा सा काजल की तरह भी अप्लाई कर लूंगी ताकि जो आईज है वो अच्छे से खिले। After that, I am using this Blue Heaven Extreme Length Mascara. Before applying this product, I am just going to use a eyelash curler ताकि curl अच्छे से हो जाए eyelashes and उसके बाद मैं ये वाला mascara जो है apply कर रही हूँ। ये mascara मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये clumsy नहीं हो रहा है और अच्छा definition भी दे रहा है, थोड़ा सा volume type का भी मुझे feel हो रहा है। So I really like the mascara a lot. By the way, ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस हाइपर स्टे सुपर मैट लिपस्टिक। सो ये बहुत ही अच्छे से आपके लिप पे ब्लेंड हो जाता है। आई रियली लाइक द शेड ऑफ कोर्स बट इसका जो मैट फिनिश है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड ये ट्रांसफर प्रूफ भी है विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो दिस इज द लुक ऑफ द डे जो आपको अभी दिख रहा है, बट मैं सेकेंड वाला लिपस्टिक भी आपको डेफिनेटली अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो जो नेक्स्ट वाला लिपस्टिक है वो थोड़ा सा डार्क शेड का है एंड इट लुक समथिंग लाइक दिस। सो अगर आपको किसी नाइट पार्टी में जाना है डेफिनेटली आप ये वाला शेड चूज कर सकते हो, डे मेकअप के लिए वो वाला शेड ज़्यादा अच्छा था। नाउ यहाँ पर मैंने दो आई लाइनर भी खरीदे है एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द स्वॉचेस हियर। दिस लाइनर्स आर वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ। So this is all about today's video. I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा and I'll see you in my next video. Till then take care and bye.